बिजनेस करने का मतलब है कि आप पैसे से ऊपर उठ जाओ, आपका माइंड इस पैसे के थॉट से फ्री हो जाए, तभी तो पैसे से ऊपर की जो चीजें हैं उसको आप देख सकते हो, तभी आप एक्चुअल में इस दुनिया के लिए किसी काम के हो। नहीं तो सुबह से रात तक अगर आपके दिमाग में पैसा पैसा घूमता है तो आप सिर्फ एक ही चीज सोचोगे, कैसे मैं आपको यूज करूं पैसा कमाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं चलो अपना एग्जाम्पल दूं आप लोगों को। अब देखो, हर एक की अपनी ना एक सोच होती है, जहां तक आपकी सोच होती है उसके बियॉन्ड आप नहीं सोच सकते। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, फिर एक स्टेप और आगे बढ़ता हूँ। जैसे कुएं का मेंढक है, उसके पास एक समुद्र से बड़ी मछली आई, उसने आकर के उसको कुएं के मेंढक को बोला कि मैं अभी अभी समुद्र से आई हूँ। उस कुएं के मेंढक ने पूछा, समुद्र क्या होता है? उसने कहा, समुद्र मतलब जहां पर बहुत पानी है, बहुत पानी है। बहुत पानी मतलब क्या? मतलब उस मेंढक ने वहां से छलांग मारी, मतलब यहां था ये कुआं है, यहां से यहां तक छलांग मारी। क्या इतना पानी है? मतलब यहां से यहां तक इतना पानी होता है समुद्र में? अरे नहीं नहीं अरे मेंढक, इससे ज्यादा होता है। उसने फिर और बड़ी छलांग मारी, यहां तक इतना होता है? नहीं नहीं इससे भी ज्यादा होता है। उसने फिर और बड़ी छलांग मारी, कुएं के एक एंड से दूसरे एंड तक पूरी छलांग मार दी। क्या इतना पानी होता है समुद्र में? मछली ने कहा, अरे नहीं नहीं मेरे प्यारे मेंढक, इससे बहुत ज्यादा होता है। मेंढक ने कहा कि नहीं तू झूठ बोल रही है, इससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेंढक की सोच और उसकी दुनिया यहीं से शुरू होती है, यहीं पे खत्म होती है। इससे ज्यादा उसने कभी देखा ही नहीं है, तो जब देखा नहीं है, सुना नहीं है, तो उसके बारे में सोचेगा कैसे? तो मछली ने क्या किया, उसको कहा मेंढक को, आ मेरे पीछे बैठ जा, और उसको ले गई समुद्र में और उसको कहा देख कितना पानी है। मेंढक चुप। मेंढक कह रहा, अरे भाई साहब ये क्या है, बोलती बंद हो जाती है। समझ गए? तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, मेरी जो वीडियोस अपलोड होती हैं उसमें क्या कमेंट्स आते हैं, अब मैं आपको बता रहा हूं, एक मछली की सोच, बड़ी मछली, आप उसको शार्क भी बोल सकते हो, उसकी सोच और एक मेंढक की सोच में क्या फर्क है। मेरी जब भी वीडियोस अपलोड होती है, हर वीडियो में ऐसे पता नहीं कितने सारे कमेंट्स होते हैं, सर आप एड ज्वाइन कर दो और वहां से जो पैसा आएगा वो डोनेट कर देना। जैसे मेरे माइंड में तो कभी आइडिया आया ही नहीं, मैं तो बेवकूफ हूं, है ना, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। उसके लिए मैंने एक वीडियो भी अपलोड कर दी जिसमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद भी खचरों को समझ नहीं आ रहा। अब देखो आपको बताता हूँ, बड़ी सोच क्या होती है। अगर करना ही होगा तो मैं ये छिछोरा काम क्यों करूंगा? वहां से कितना आ जाएगा, 4-5 लाख रुपए महीने का आएगा। 4-5 लाख रुपए महीने में कितनों का भला हो जाएगा? 100 का भला हो जाएगा, और कितनों का हो जाएगा? उसकी वजह से हर महीने के ऑन एन एवरेज 2 करोड़ व्यूज होते हैं मेरे चैनल पे। क्या उन करोड़ों का नुकसान नहीं हुआ? बीच बीच में एड्स आती रहेंगी। तो हो सकता है मैं कोई बहुत काम की बात कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ लाखों रुपए की, उसके बीच में 2 कौड़ी की एड आ गई, तो उस बात की क्या वैल्यू रह गई?